केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी राज्यों को कोविड के प्रति सतर्कता बरतने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसके बाद हिमाचल में भी सभी जिला मुख्यालयों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। ऊना के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंजू बहल ने भी सभी खंड चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। जायजा ले रहे हैं कि क्या हमारे सारे सेंटर्स ठीक से काम कर रहे हैं, हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स ठीक से काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स भरे हुए कि नहीं, क्या दवाइयाँ एंड इन सब की हमने एक दोबारा से जायजा लिया है हमने, और अपने ब्लॉक्स में भी सबको कहा है कि हम अपना सारा रिएजेंट्स टेस्टिंग की जो सुविधाएँ हैं उनको थोड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि पाया गया कि ऊना जिले में काफ़ी देर से कोई केस नहीं था, जिसके कारण हमारी जो टेस्टिंग है वो भी अब काफ़ी कम हो गई है। तो हमने लोगों से फिर अपील की है, सारे BMOs के साथ भी कल हमने एक मीटिंग की थी, जिसमें हमने कहा है कि जितने भी केसेस आते हैं खांसी जुकाम बुखार के या जो भी दर्द होती है या बॉडी एक्स हो रहा है, इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको हम टेस्ट कराएँ, क्योंकि हम ये टेस्ट ना करें तो हम हो सकता है कि हम कोई केसेस मिस आउट कर जाएँ। टू बी श्योर कि हम अपने सेफ साइड में टेस्ट करते हैं। आपको बता दें कि ऊना जिले में कोई भी कोरोना संक्रमित केस नहीं है। हिमाचल प्रदेश की खबरों का सबसे बड़ा ठिकाना है लोकल लाइव हिमाचल प्रदेश, तो अभी सब्सक्राइब करें लोकल लाइव हिमाचल प्रदेश।